जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुआ पढ़ रहे हैं सब पहले। रब इशरह ली सदरी व यसर ली अमरी वाहलुल उक़दा मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब ज़िदनी इल्मा, रब ज़िदनी इल्मा, रब ज़िदनी इल्मा। जी आपका लेक्चर नंबर 4 है। हमने आदाब मजलिस चैप्टर की रीडिंग की थी, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप सबकी बुक का पेज नंबर 93 आप सब ओपन कर लें, ठीक है। जो आपको होमवर्क दिया हुआ है उसमें अल्फाज मैंने आपको याद करने के लिए दिए होंगे, ठीक है। पहले हम उनको पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 आपका है, अल्फाज मायने याद करें। अल्फाज लिखे हुए हैं और उनके मायने भी आगे लिखे हुए हैं। मजलिस कहते हैं बैठने की जगह, सरगोशी करना यानी कानों में आहिस्ता आवाज में बात करना, बिला जरूरत यानी बगैर जरूरत के जोके समात सुनने का शौक। गुफ्तगू कहते हैं बातचीत को, मुखातिब कहते हैं जिससे बात की जाए। मौका महल मुनासिब वक्त, यकसू ना होना यानी तवज्जा ना देना, ध्यान ना देना। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 2 आपका, मजलिस से क्या मुराद है। आपकी बुक में ये सवाल नंबर 1 होगा, ठीक है। पहला सवाल है, मजलिस से क्या मुराद है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो देखिए इसका जवाब आपके बुक के पेज नंबर 93 की बिल्कुल फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट एंड हाफ लाइन आ गया है। मजलिस का लफ्जी मायनी है बैठने की जगह, और इससे मुराद वो मकाम है जहां कुछ लोग जमा होकर आपस में गुफ्तगू करें। हकीकत में किसी जगह लोगों का मिलजुल कर इकट्ठे बैठना मजलिस कहलाता है। फिर सवाल नंबर 3 है आपका, मजलिस में नए शामिल होने वाले को कहाँ बैठना चाहिए। तो इसका आंसर है, मजलिस में आने वाले शख्स को चाहिए कि गुस्सा ना करे और जहां पर जगह मिले वहीं पर बैठ जाए। ये आपकी बुक के पेज नंबर 94 पे इसका आंसर है, ठीक है। पहली 4 लाइनें छोड़ के उसके बाद ला तवजीब जहां पे हदीस दी हुई है उसके नीचे ये, मजलिस में आने वाले शख्स को चाहिए कि गुस्सा ना करे और जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। फिर उसके बाद सवाल नंबर 4 है, मजलिस में सरगोशी करना कैसा अमल है। तो इसका जवाब है, मजलिस में बैठ के सरगोशी करना बुरा फेल है, ये मजलिस के आदाब के खिलाफ है। ये भी आपका पेज नंबर 94 ही है, जहाँ पे आपने पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखा है, सेकंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन उसके बाद ही नीचे दिया हुआ है। मजलिस में बैठ के सरगोशी यानी कानों में आहिस्ता आवाज में बात करना ये बुरा फेल है, बुरी बात है, और ये मजलिस के आदाब के खिलाफ है। फिर आपका है लॉन्ग क्वेश्चन आगे आ जाता है, मजलिस के 6 आदाब बयान करें, ठीक है। तो 6 आदाब यहाँ पर लिखे हुए हैं बुक के पेज नंबर 93 पर, ये हेडिंग है मजलिस में बैठने के आदाब। यहाँ से मैंने ये 6 पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है। आपने ये 6 पॉइंट्स, इनमें से आपको कोई और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो पहला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अफशुस्सलाम के सलाम को आम करो, ठीक है, सलाम फैलाओ। यानी जब मजलिस में दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम करना चाहिए। नंबर 2 है, जहां भी जगह मिले, जहां मुनासिब जगह मिले वहीं पर बैठ जाए। नंबर 3, जो शख्स पहले आया हो उसे चाहिए कि वो आगे बैठे, रास्ते में ना बैठे, ठीक है, ताकि बाद में आने वाले तरतीब से बैठते जाए। नंबर 4 है, गुफ्तगू के दौरान किसी की बात नहीं काटनी चाहिए। नंबर 5, मजलिस अच्छे और नेक मुत्तकी लोगों की के साथ होनी चाहिए, ठीक है, यानी बुरे लोगों की मजलिस ना हो। बुरी सोहबत का बुरा असर होता है, अच्छी सोहबत का अच्छा असर होता है। नंबर 6 है, बिला जरूरत बात ना कीजिए, मौका महल देख के बात कीजिए, ठीक है, बगैर वजह के दरमियान में ना किसी की बात करी जाए, ना ही बगैर जरूरत के बोलते रहें, बल्कि जब किसी मजलिस में बैठे हो तो बात को सुनने के लिए बैठे, बगैर जरूरत कोई बात ना करें और जो मुनासिब मौका हो उसको देख के बात करनी चाहिए। ये है मजलिस के 6 आदाब। फिर है, मजलिस में खुशादगी पैदा करने के मुतालिक अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। तो इसका जवाब है पेज नंबर 93 के ही पहली 4 लाइनें छोड़ दें, लिखा हुआ है अल्लाह का इरशाद है, ठीक है, या इरशाद इलाही है। आप ऐसे लिख के फिर पेज के सेंटर में आप लिखेंगे, मोमिनो जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुल के बैठा करो तो खुल के बैठो, अल्लाह तुम्हें खुशादगी बख्शेगा, और जब कहा जाए उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। ये सूरह मुजादला की आयत नंबर 11 है, ठीक है। आपको साथ साथ ये लिखा हुआ दिखाने का मकसद ये है कि आप भी इसी तरह से लिखने की प्रैक्टिस करें। आपको बताओ कि जब इरशाद इलाही आ जाए, जब इरशाद नबी आ जाए,
तो आपने उसको कैसे लाइनों के सेंटर में कैसे लिखना है, पेज के सेंटर में कैसे लिखना है, ठीक है। बुक में तो बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है, आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने जैसे ये स्क्रीन पे शो रहा है ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और उस दिन कुछ नेट का प्रॉब्लम हो गया था हमारे, ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये कॉलम वगैरह रह गए थे, तो ये मैं आज दोबारा आपको करवा देती हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, खाली जगह पूर करें। मजलिस का लफ्जी मायने है बैठने की जगह, ठीक है। पहली ब्लैंक में आएगा बैठने की जगह, नंबर 2 में आएगा मजलिस अल्लाह के जिक्र के बगैर खत्म ना हो, जिक्र आएगा वहां पे। नंबर 3 है लोगों की गर्दनें फैलाते हुए आगे जाना एक बुरा तरीका है। नंबर 4 अगर मजलिस में कोई बात कहनी हो तो बड़ों की इजाजत से कहनी चाहिए। और नंबर 5 में है मजलिस में गुफ्तगू के दरमियान किसी की बात नहीं काटनी चाहिए। उस दिन बहुत से बच्चों ने फिल इन द ब्लैंक फिल भी कर ली थी, लेकिन अगर किसी की रह गई हो तो वो आज फिल कर ली दोबारा से। सवाल नंबर 8, कॉलम अलीफ को कॉलम बे से मिलाएं। आप यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं और लाइंस के साथ मिला भी सकते हैं, नंबरिंग कर लें तो ज्यादा ईजी हो जाएगा। मजलिस से मुराद वो मकाम है जहाँ कॉलम बे की सेकेंड लास्ट ऑप्शन है इसकी, कुछ जहाँ पर कुछ लोग जमा हो, ठीक है। जब इंसान मजलिस में जाए तो उसे जहाँ जगह मिले कॉलम बे में जो सबसे लास्ट में है वहां बैठ जाना चाहिए। मजलिस में आए तो सलाम करके बैठे, लेकिन अगर कॉलम बे की बिल्कुल फर्स्ट लाइन है कोई बातचीत जारी हो तो खामोशी से बैठ जाए। नंबर 4 पे है अगर बहुत से लोग इकट्ठे बोलने की कोशिश करेंगे तो कॉलम बे का थर्ड वाला ऑप्शन है इसका, तो मजलिस शोर शराबे की नजर हो जाएगी। नंबर 5 पे है मजलिस में किसी को उठा कर उसकी जगह पे बैठना, सेकंड वाला है अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। ये हो गया कॉलम अलीफ और कॉलम बे, यही बाकी जो एक्सरसाइज मैंने आपको लर्न करवाई है यही आप अभी याद करें। मैं आपसे अभी अभी ये सुन रही हूँ, आपके पास 5-10 मिनट्स हैं, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने आप लोगों से सुनना शुरू कर दिया, ओके।